हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपके सामने हम जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, साइटोलॉजी से हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के सारे प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने आपको साइटोलॉजी से जो है इसके पहले 3-4 वीडियो हम दे चुके हैं और ये साइटोलॉजी का आपका नेक्स्ट वीडियो है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है साइटोलॉजी के। पहला आपका है नंबर 1, डीएनए में कहीं कहीं पर छोटे खंड या विशेष स्थान होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं उनको, पैलिंड्रोम कहते हैं उनको। क्या कहते हैं उनको, पैलिंड्रोम कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो एरिक जेफ्रे ने की थी। किसने की थी, एरिक जेफ्रे ने की थी। डीएनए अम्लीय होता किसके कारण, पूछा जाता है डीएनए अम्लीय होता है तो किसके कारण होता है डीएनए अम्लीय, तो फास्फोरिक अम्ल के कारण, H3PO4 जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसकी वजह से क्या होता है डीएनए आपका अम्लीय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेड डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेड डीएनए की खोज नोरडिम तथा वैंग ने की थी। नोरडिम तथा वैंग ने की थी। और जेड डीएनए में नेक्स्ट है, जेड डीएनए में एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी होती है कितनी होती है, 45 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 45 एंगस्ट्रॉम होती है। सिक्स क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, तो हर्से एंड चेज ने किया था। हर्से एंड चेज ने किया था, डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है। बहुपट्टीय यानी कि पॉलीटीन जो गुणसूत्र होता है, लाल ग्रंथि यानी कि स्लेवरी क्रोमोसोम्स जो होता है कहते हैं हम, किसमें पाया जाता है या किसमें पाया गया, तो ये ड्रोसोफिला की कीट की लार्वा की लाल ग्रंथि में पाया गया। ड्रोसोफिला की कीट के लार्वा की लाल ग्रंथि में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल बियानी ब्लैट यानी कि बैल बियानी जो रिंग होता है या क्रोमोसोम पफ पाए जाते हैं, एक रिंग जैसा छल्ला बन जाता है उसको गुणसूत्र पफ कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में बहुपट्टीय गुणसूत्र में पाए जाते हैं। जीनोम से तात्पर्य है गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय, हैप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, तो कहते हैं क्या, ट्रांसपोजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन कहते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं प्लाज्मोन, देखिए प्लाज्मोन आपके कुछ प्लास्टिक में अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं, प्लास्टिक के जो डीएनए होते हैं उसमें और कुछ जो माइटोकांड्रिया में होते हैं वहां के, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्लास्टोजीन एंड कांडियोजीन। तो प्लास्टोजीन जो होता है ये लवक में आपका होता है और कांडियो जो जीन होता है माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है एसेशिया कोली संश्लेषित टायरोसिन टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है कितनी होती है, 126 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कोशिकांग है कौन सा, लाइसोसोम। लाइसोसोम है कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, ताकि क्या हो, गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर गति हो सके, है ना, गति हो सके गुणसूत्रों में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए डीएनए नए बने प्रोटीन के रूपांतरण तथा उनके गंतव्य मार्ग के लिए मुख्य कोशिकांग है, तो कौन है वो, ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि अंतः प्रद्रव्यी जलिका जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अंतः प्रद्रव्यी जलिका हम आपको बता दें ये 3 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर फैट का संश्लेषण होता है, और आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर जो है आपका जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक। और जो आपका सपाट वाला होता है यानी कि जो सपाट यानी चिकना वाला स्मूथ वाला होता है ना, वो टॉक्सिक नेचर का मतलब वो विषाक्त को दूर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डी एन ए
का निर्माण होता है कहाँ होता है, आरएनए सांचे पर होता है, यानी कि आरएनए टेम्पलेट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ईस्ट एलानिन टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की पूर्ण श्रृंखला का क्रम याद किया था, तो रॉबर्ट डब्ल्यू होले ने किया था, रॉबर्ट डब्ल्यू होले ने किया था। कोशिका भित्ति में माइक्रोफाइब्रिल के बंडल को से बनता है, क्या बनता है, फाइब्रिल, तो माइक्रो यहां से काट दीजिए, फाइब्रिल लिख दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। साइजो लाइसिजिनस कैविटी पाई जाती है मक्का के तने के समान मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीएनए के प्रत्येक घुमाव में बेसों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। और हम आपको बता दें कि जो आपका ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी होता है, डी होता है और जेड, ए बी सी डी और जेड जो आपके ए डीएनए होते हैं, कितने प्रकार के आपके डीएनए हैं, ए बी सी डी और जेड डीएनए हैं, तो इनके घुमाव के बेसों की जो संख्या है ये आप ऐसे याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे, ये ए का 11 होता है, ऐसे ए का आप घटाते जाए, इसका बी का 10 होता है और इसका 9 होता है और डी का क्या होता है, 8 होता है और लास्ट वाले का पहले वाले में एक जोड़ देंगे, इसका क्या होता है, 12 होता है। तो इस तरीके से एक क्रम जो है आप याद कर लेंगे, ये इनके बेसों के घुमाव, बेसों के जोड़े के, जोड़े के घुमाव है, ये ए में 11 होता है, बी में 10 होता है, सी में 9 होता है, डी में 8 होता है और जेड में 12 होता है। ये इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। और देखिए ये ए बी सी और डी जो आपके डीएनए हैं, ये आपके क्या है, राइट हैंडेड डीएनए होता है, ये राइट हैंड होता है और जेड जो होता है लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है, जेड क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। तो इस तरीके से इसको याद करिए और ये वाले बहुत बार जो है एग्जाम में जो है इसको जो है जोड़े मिलाने के क्रम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए में क्रियाविहीन भाग कहलाते हैं, तो इंस्ट्रॉन्स कहलाते हैं, क्या कहते हैं, इंस्ट्रॉन कहलाते हैं। आरआरएनए का सक्रिय संश्लेषण होता है, कहां होता है, आरआरएनए का सक्रिय संश्लेषण केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। चलिए, कोशिका में उत्परिवर्तन बिंदु है क्या है, जीन में ही होता है उत्परिवर्तन। किस पौधे में सिस्टोलिथ पाई जाती है, तो फाइकस में पाई जाती है, सिस्टोलिथ पाई जाती है, यानी कि कह लीजिए पीपल है, बरगद है ना, इन सब में जो है पाई जाती है, फाइकस उसके अंदर, फाइकस आते हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए, किस समूह के पौधे में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, थोड़ा ये क्वेश्चन में साइटोलॉजी के आपके क्वेश्चन लगभग खत्म हो रहे हैं, तो ये कुछ हमने क्वेश्चन अलग से जोड़ दिया। तो है किसके लिए जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, किसमें, किस समूह के पौधे में, ब्रायोफाइट्स के पौधे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट है, कोशिका विज्ञान कोशिका आनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा थे, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा थे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संवहनी क्रिप्टोगैम्स से, यानी कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके आज जो है थे 27 क्वेश्चन थे और इसके साथ कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन हमने आपको बताया, तो ये इसको बढ़िया से तैयार करेंगे, सभी नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और वन लीनियर आपका वन लाइन का क्वेश्चन आंसर है और इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया जो है तरीके से याद होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने फिर लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।